बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर सुमेरपुर उपखंड से है, जहां 6 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। उपखंड में कुल पॉजिटिव मरीज अब 76 हो गए हैं। वहीं दूजान में 2, जाणा में 1, नवी में 1, रूपनगर में 1, ताकतगढ़ में 1 मरीज मिला है। जाना गांव में दिलचस्प मामला सामने आया है। पॉजिटिव प्रशासन से उलझा और कहा कि पॉजिटिव होने की रिपोर्ट बताने पर भी बैठूंगा एम्बुलेंस में। मौके पर पुलिस को बुलानी पड़ी इसके चलते। वहीं ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सक्सेना ने ये जानकारी दी। सुमेरपुर उपखंड में 6 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अब उपखंड में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 76 हो गई है। बात करें सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के दूजाना गांव की, तो दूजाना में 2, जाना में 1, नोवी में 1, रूपनगर में 1, तखतगढ़ में 1 मरीज मिला है। जाना गांव में एक दिलचस्प मामला भी सामने आया है। पॉजिटिव ने प्रशासन से एक तरीके से उलझ गया और उसने कहा कि पॉजिटिव होने की रिपोर्ट बताने के बावजूद ही मैं एम्बुलेंस में बैठूंगा। मौके पर फिर पुलिस प्रशासन को पुलिस बुलानी पड़ी। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सक्सेना ने यह जानकारी दी।